हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन इसका स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं आज जो है सॉल्व क्वेश्चन आंसर सीरीज में। और चलिए क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में लिब्रो खिलाड़ी के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसका कथन सत्य है, वह सर्विस नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है बोल रहा है तो सही है, वह ब्लॉकिंग कर सकता है बोल रहा है तो ये सही नहीं है। ठीक है, वह जो है फ्रंट कोर्ट में आक्रमण कर सकता है, ये भी जो है नहीं कर सकता तो ये असत्य है। अटैक लाइन के आगे जाकर स्मैश कर सकता है तो ये भी नहीं कर सकता, वो 3 मीटर के आगे नहीं जा सकता। तो चलिए इसका उत्तर देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है। और एक जो है इसमें दो लिब्रो खिलाड़ी होते हैं ना, इसको भी पूछते हैं कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है तो वर्टिकल जंप प्रयोग होता है। 2007 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी में कौन सम्मिलित नहीं है। तो 2007 वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि अभी के करंट का देख लीजिएगा। अभी का जो पुरस्कार प्राप्त करता कौन, उसमें आप लोग को मिल जाएगा 15-16 है, वैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक एथलीट किसी इवेंट में भाग लेना सुनिश्चित करने के बाद अंतिम समय में उस इवेंट में हो गया यहाँ पर भाग न लेकर अन्य इवेंट में भाग लेता है तो उस खिलाड़ी के लिए क्या निर्णय होगा। तो ये उत्तर होगा, पहला आपका हो जाएगा, उसे अन्य इवेंट में भाग लेने की अनुमति होगी, अनुमति मिल सकता है क्योंकि वो पहले से सुनिश्चित कर ले तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेल्डन के सारिक वर्गीकरण में मेसोमॉर्फ का तात्पर्य क्या है। तो इससे तात्पर्य है एथलेटिक। ठीक है, तीन इसके सेल्डन ने तीन वर्गीकरण दिया है। ठीक है, क्या क्या है, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, सॉरी मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ, या एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ मतलब पतला दुबला, ठीक है, एंडो मतलब मोटा वसी वसाकृत, और एथलेटिक मतलब मेसोमॉर्फ। माइक्रो साइकिल प्रशिक्षण किस की अवधि होती है, तो ये होती है 7 दिन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग स्फिग्मो मैनोमीटर किसका मापन करता है, तो कितना स्फिग्मो मैनोमीटर किसका करता है, फेफड़ों का, रक्तचाप का, या हृदय। तो स्फिग्मो मैनोमीटर आई थिंक फेफड़ों का या हृदय करता है। चलिए नीचे देखते हैं, आपका इसका आंसर रक्तचाप का होना चाहिए, रुधिर रक्त का करता है, रक्तचाप का मापने का यंत्र है। और ये आप डॉक्टरों के पास, इसको मैं कई बार किया हूँ, 120/80 इसका जो है रहता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, इसको बहुत बार पढ़े हैं हम लोग। बाकी इसको याद रखने के लिए थोड़ा से जरूरी है, आ जाता है क्वेश्चन, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा से रुकेंगे। चलिए, तो इसका है, सीखने के अंदर दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये कोहलर ने किया है। आपको बंदर चिंपैंजी के ऊपर इसका प्रयोग, इसको भी कई बार पढ़ चुके हैं। स्पायरोमीटर किसके मापने के लिए है, इसी फिग्नोमैनोमीटर और स्पायरोमीटर में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो ये फेफड़ों का है। ठीक है, स्पायरोमीटर और स्फिग्नोमैनोमीटर थोड़ा से जस्ट अंतर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको देख लीजिएगा, किस खेल के खिलाड़ी के द्वारा सीन गार्ड का प्रयोग किया जाता है, तो ये फुटबॉल खिलाड़ियों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्रिकेट भी रहता है, क्रिकेट भी हो सकता था आई थिंक। नेक्स्ट है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो लेडी रतन टाटा आपके हॉकी खेल से संबंधित है। तीसरा यहाँ पर देख लीजिए, शुरुआत 1938 में हुई थी इसका जो है। और जूडो खेल में प्रतियोगिता एरिया कितना होता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार। तो ये है आपका 10 मीटर गुणित 16 मीटर। ठीक है,
और इसका अधिकतम मेरे ख्याल से 20x20 भी रहता है अधिकतम में, लेकिन इसका जो करेक्ट अंदर का जो होता है 10x16 मीटर, ये आंसर सही होगा। यहाँ पर 16x16 भी दिया है, जूडो खेल का मैदान की माप जो 16x16 मीटर होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है 10x16, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। कबड्डी खेल में लोना के कितने अंक मिलते हैं? तो 2 अंक मिलते हैं, उत्तर 2 है इसका। सॉरी, ये पुराना आंसर सीट है और ये इसी की वजह से बहुत जने लोग इसको जो पढ़े होंगे वो गलत कर चुके हैं। पहले जब पुराना होता था तो लोना जब उड़ता था तो क्या होता था, 2 अंक तो लोना का मिलता है और 2 उसमें जो पॉइंट है अलग से एक्स्ट्रा देते थे, तो 4 अंक दिया जाता था। तो ये पहले का है, अभी जो है ये 4 नहीं है, इसका 2 ही अंक जो है मान ही होता है, तो इसको ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अंक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थ्योरी देख लीजिए। कबड्डी में जब कोई विपक्षी दल के जो है खिलाड़ियों सदस्यों को आउट कर देता है तब दल को लोना मिलता है जिसके 4 अंक होते हैं, तो ये 4 अंक जो है अभी गलत है, ये 2 अंक हो गए हैं, ठीक है। ये बहुत पुराना आपका 2006 से पहले का ये मिलता था। विटामिन सी की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, इसका जो है स्कर्वी रोग हो जाता है, सी से स्कर्वी के बताया था मैं। चलिए इसके जो है फायदे किससे किससे होते हैं, कौन कौन से फल हैं देख लीजिए। ध्यानचंद जी किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपके हॉकी खेल से संबंधित है, यहाँ पर देख लेते हैं, इसके बारे में पूरा पढ़ लेंगे, थोड़ा से पढ़ देते हैं। हॉकी के जादूगर व दद्दा के उपनाम से विख्यात मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। फौज की सेवा में रहते हुए ध्यानचंद जब 1926 में भारतीय टीम के साथ न्यूजीलैंड के दौरे पर गए थे और तो उन्होंने अपने जादुई खेल व गोलों की झंडी से सबका ध्यान आकर्षित किया और 19 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आगे है खेल, सॉरी हैंडबॉल खेल क्षेत्र की क्या माप है? तो हैंडबॉल में 20x40 होता है, चौथा आंसर सही हो जाएगा इसका, 20x40x20 मीटर, इसको देख लीजिए। और जो है इसका तो है हो गया लंबाई चौड़ाई। मध्य रेखा इस मैदान के 2 भागों के बराबर काटती है, यानी कि 20 मीटर में कोर्ट के दोनों छोरों पर बीच में 2 मीटर ऊंची, सॉरी ऊंचा और 2 मीटर चौड़ा गोल होता है। हर टीम में वैसे 12-12 खिलाड़ी होते हैं, मगर खेल में एक समय में केवल 7 खिलाड़ी खेल सकते हैं। तो ये देखिए 7-7 खिलाड़ी वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे कबड्डी में 7 हो गया, आपका हैंडबॉल में 7 हो गया, आपका जो है उसमें क्या है जल, सॉरी याद नहीं आ रहा है, थ्रो वाटर पोलो, जल बोल रहा था, वाटर पोलो है उसमें भी 7 होते हैं। तो इसे 4 खेल हो गए, इसमें 7-7 प्ले जिसमें होते हैं और उसमें एक अलग से जैसे आपके है बास्केटबॉल को 5 खिलाड़ी होता है उसमें खेलने वाले, तो उसको दे दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है, तो हो सके तो बन भी जाए, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अटैक लाइन किस खेल से संबंधित है? तो अटैक लाइन आपका वॉलीबॉल से है, वॉल बॉल लिख दिया है, ठीक है वॉलीबॉल। और यहाँ पर वॉलीबॉल दिया है खेल से संबंधित है, 3 मीटर में होता है, अभी बताया था। अजलान शाह कप प्रतियोगिता संबंधित है, तो ये है आपका हॉकी से यहाँ दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फेडरेशन कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो ये वॉलीबॉल से है। पुरुषों के लिए भाले का वजन क्या होता है? तो 800 ग्राम होता है। और नेक्स्ट है पाचन तंत्र से संबंधित कौन सा अंग है? तो आंत जो है पाचन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको देख लीजिएगा। महिलाओं के लिए हैंडबॉल का अधिकतम वजन क्या है? तो इसका अधिकतम वजन 400 ग्राम होता है, ठीक है। बाकी 375 से
475 होता है अधिकतम, लेकिन महिलाओं के लिए 400 ग्राम, ठीक है। और शरीर के किस अंग से पायरिया संबंधित है? तो दांत से ये संबंधित है, पायरिया दांतों में होता है, पीलापन आ जाता है, मसूड़ों में कमजोरी, और इसको पढ़ लीजिएगा, प्रोटोजोआ के कारण ये होता है। लंबी दूरी के धावक के लिए कितनी कैलोरी आवश्यक है? तो ये आपका 5000 से 5500 कैलोरी ये आवश्यक है, ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखेंगे। वेंट्रिकल एक हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है? ये हृदय का वेंट्रिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश का स्रोत है विटामिन डी, ठीक है, और कैल्सिफेराल इसका जो है रासायनिक नाम है। शिविर का अनुशासन होता है, शिविर का अनुशासन जो है आपका कठोर होता है, कठिन होता है। जांच की हड्डी का नाम है, जांग होगा सॉरी, तो ये फीमर है और सबसे लंबी हड्डी बोलते हैं इसको, ठीक है। और मनुष्य इसको देख लीजिए सॉरी, स्टेबिश छोटी हड्डी होती है। तो ये इतने बार रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन, इतने बार ज़्यादा, मैं कम से कम 5 अभी आपको ये प्रोवाइड कर चुका हूँ, 5ों में ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इस टाइप से जितने क्वेश्चन हैं। वसा का अच्छा स्रोत क्या है? तो ये मक्खन जो है इसमें सबसे अच्छा है, लेकिन कई बुक में आपको मछली मिल जाएगा, तो यहाँ देख लेते हैं। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है, 1 ग्राम वसा लगभग 9.1 कैलोरी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका ऊर्जा प्रदान करती है, और वसा का अच्छा स्रोत मक्खन है, मक्खन है और मछली भी है। रक्त के ओ समूह को कहते हैं, तो ये रक्त ओ समूह तो है, सर्वदाता होता है, सबको ये देने वाला होता है, ठीक है, डोनर कहते हैं। इसको देख लीजिएगा, ये वैज्ञानिक इसमें इम्पोर्टेंट है, जानकारी देने वाले पहले वैज्ञानिक कार्ल स्टीनर थे, और जिन्होंने 1902 में इसकी खोज की थी, और एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के आधार पर रुधिर 4 समूहों में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी तथा ग्रुप ओ में विभक्त किया गया है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, और ये सर्वदाता है और ये सर्वग्राही है, इसका भी कई बार आ चुका है। विजय सिंह चौहान किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका एथलेटिक्स से संबंधित रहे हैं, अभी ये पुराना हो गया है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। जो है दौड़ने की सही दिशा होगी, तो ये बाईं तरफ ही सही दिशा होता है, और इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 400 मीटर जो है महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई होती है, तो ये होती है आपका 0.762 भी होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, और बाधाओं की संख्या 10 होती है, सभी को पता है। चलिए, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये इसमें होते हैं आपके 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, और टोटल अभी आजकल पहले 16 हुआ करता था, अभी इसको 18 शायद टीम में कर दिए हैं, इसको देख लीजिएगा एक बार करंट में। पहले 16 प्लेयर टोटल होते थे, उसमें अब 2 बढ़ा दिए गए हैं टीम को। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो ग्रीन पार्क कानपुर में आपका स्टेडियम है, और बहुत ही फेमस जो है स्टेडियम है। आधुनिक ओलंपिक खेल आरंभ हुई, तो 1896 में ये हुआ था, तो दूसरा आंसर हो जाएगा। और जो प्राचीन है वो आपको 1776 इसको जानती है, ओलंपस देवता, यूनानी देवता जो है उसके सम्मान में किया जाता था। अभिनव बिंद्रा किस खेल से हैं? तो ये आपके निशानेबाजी से हैं, और इन्होंने प्रथम जो है 2008 में आपका गोल्ड एकल लेके आया था, और ये पहला एकल स्वर्ण पदक है ओलंपिक में। बास्केटबॉल खेल कैसे आरंभ किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका बॉल उछाल करके किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इतना आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो में इसका कंप्लीट ये हो जाएगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। Friends, like, share, subscribe, and don't forget to next update. Press the bell icon. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.